अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो मैं बिल्कुल भी ज़ाती तौर पे खुश नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जान ट्रेवल्स। अभी ये जो आपने पीछे बात मेरी सुनी है, आप भी परेशान होंगे कि पता नहीं मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं हैप्पी क्यों नहीं था पाकिस्तानी पवेलियन से, तो आपको फिर ये मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तब आपको स्टेप बाई स्टेप इस पवेलियन के मुख्तलिफ चीज़ों जगहों को ख़ुद देख कर आपको पता लगेगा कि मैं हैप्पी क्यों नहीं था। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं मुत्तफिक, जो मैंने अपना इस वीडियो के आखिर में फुल रिव्यू दिया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद ही आपको ये सारी तफसील और बैकग्राउंड पता चलेगा कि मैं इस पाकिस्तानी पवेलियन से मायूस होकर क्यों लौटा था। सो स्टे विद मी एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं पाकिस्तानी पवेलियन में। तो मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी हुई है कि लोग बड़े इनमाक के साथ जो है ना, वो पाकिस्तानी पवेलियन में ये पाकिस्तान की जो वीडियो दिखाई जा रही हैं ये देख रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के जो जितने भी मशहूर मकामात हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में है, KPK में है, पंजाब में है, सिंध में है, वो थोड़ा थोड़ा करके दिखाया जा रहा है और लोग बड़े ध्यान से बड़ी तवज्जो के साथ इसको देख रहे हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है ये देखते हुए कि लोग इसको बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको साथ साथ आगे लेके जाऊंगा और आपको पूरे पवेलियन के ना इनसाइड में जितनी भी मशहूर चीज़ें हैं, जो भी पाकिस्तान का इन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि पाकिस्तान में लोगों को क्यों टूरिज्म के लिए जाना चाहिए, पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री होगी या पाकिस्तान की जो मशहूर जगह या टूरिस्ट के लिए क्या ऐसी अट्रैक्शन हैं जिनको देख के वो पाकिस्तान में जाएँगे। तो अभी मेरे साथ आप जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें, फिर मैं आपको अपना जो रियल रिव्यू है पाकिस्तानी पेविलियन के हवाले से वो दूंगा। शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, तो ये जो सेक्शन है इसमें पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और जो भी इंडस्ट्रीज है उसके बारे में बता रहा है कि पाकिस्तान में क्या बन रहा है, क्या बनता है। ये सॉल्ट है जो पाकिस्तान में पैदा होता है। और ये सारी
चीज़ें आ रही हैं कि उसके अलावा पाकिस्तान में क्या क्या चेंजेस आए हैं 70 सालों में। और ये जो इमरान खान का प्रोजेक्ट था बिलियन ट्रीज, अच्छा मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं इस वक्त मुगल्स की हिस्ट्री चल रही है। अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो मैं बिल्कुल भी ज़ाती तौर पे खुश नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ जो चीज़ें दिखा के पाकिस्तान को प्रमोट किया है, यहाँ वर्ल्ड से लोग आते हैं और जिन्होंने भी ये देखा दुनिया भर के ममालिक से, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसको देख के लोग अट्रैक्ट होंगे, बोलेंगे यार वाह पाकिस्तान चलते हैं। तो वही जो हम बचपन में PTV में चीज़ें देखते थे, चरखा काट रहे हैं वो, और ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, और ये नमक हो गया, ये चीज़ें तो ज़ाहरी बात है टूरिस्ट नहीं लेके आती। तो इन्हें पाकिस्तान के लिए नए पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए था, जिसमें टूरिज़म है प्रॉपर, मतलब उधर पाकिस्तान में क्या फैसिलिटीज़ हैं टूरिज़म के लिए, लोगों के लिए, इस तरह की चीज़ें दिखानी चाहिए थी। लेकिन इट कुड हैव बीन मोर बेटर, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, एंड मैं गवर्नमेंट से या जो लोग ये चला रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि वो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें दिखाएं कि जिनको देख के लोग पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कपड़े पहन लेने से कोई टूरिज़म टूरिस्ट नहीं आएंगे पाकिस्तान में। सो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ रखनी चाहिए थी जिसको देख के लोग वाह उनके मुंह से निकलता और वो बोलते कि आप बात है, हमें तो पाकिस्तान जाना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे भी देख के बड़ी बोरिंग सी फीलिंग आई है। इन्होंने हिस्ट्री दिखाई है, पुराने रिलीजन, हड़प्पा की तारीख और उससे भी 4000 साल पुरानी तारीख, लेकिन अगर आप यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ऐसी जगह एक्सपो जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन आप इधर पाकिस्तान का वो चेहरा दिखा रहे हैं जो एक कदीमी दखियानूसी पाकिस्तान आप दिखा रहे हैं। खुद इन्होंने दुबई में अपने मुल्क को इन्होंने अप टू डेट किया, एडवांस किया, वह फ्यूचर का सोच रहे हैं, फ्यूचर म्यूज़ियम बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मैं वही पुराना फरसूदा सिस्टम, फरसूदा टूरिज़म, और आई एम नॉट हैप्पी विद इट टू बी ऑनेस्ट।